हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट का ज्ञान। आज मैंने एक लाइव ट्रेड की थी क्रूड ऑयल में, तो वो मैं देखता हूँ कि मैंने कैसे ली एंट्री और कैसे फिर अभी जो है कि कितना प्रॉफिट हुआ मुझे। एक्चुअली इसने जो सेल दिया था मुझे 240 मिनट पहले, मीन्स 4 घंटा पहले इसने एक सेल का दिया था कॉल यहाँ पे और 3920 पे, जो कि यहाँ पे है, आप टाइम देख सकते हो, 130 के करीब में इसने दिया था सेल का कॉल। और अभी जो ये 51 रुपीस डाउन था, एक्चुअली 1:30 करीब इसने दिया था सेल का कॉल और मैं था नहीं, मैं थोड़ा बाहर गया था, तो मैंने सोचा कि यार एंट्री कहाँ से लूँ। तो मैंने क्या किया कि जो ट्रेडिंग में अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में है, मुझे ऑर्डर करना था, तो मैंने देखिए मेरा ऑर्डर बुक ये रहा। An order has been updated to 1. Shares of symbol C R U D E O I L 1 8 F E B F U T. An order has been updated to 1. Shares of सिंबल मैंने क्या किया था, सेल किया था, यू डी दिखा दो टाइमिंग आपको, ओ आई एल 1 8 एफ ई बी एफ यू टी। एक बार इसको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने मोबाइल पे भी ओपन करके रखा था, सो ये सही से शो नहीं हो रहा। वैसे यहाँ पे दिख रहा है कि सेल किया था मैंने 3895 पे और बाय की थी इसको 3873 पे किया था, 3873 पे किस लिए, क्योंकि वहाँ पे एक मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ रेजिस्टेंस टाइप का या फिर कुछ है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अभी देखिए ये 5 पॉइंट और नीचे चला गया है और हमारा जो ये एमी ब्रोकर का ये जो जो ये सिग्नल दे रहा है उसने भी अभी कोई वैसा कुछ नहीं है और दोनों जो है सेल में ही है और 52 रुपीज़ अभी प्रॉफिट में इसके बेसिस पे अगर हम ट्रेड करें तो। तो मैंने 3920 पे तो नहीं लिया था, मैंने 39 जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्डर बुक में मेरा, देखिए 3895 पे मैंने सेल किया था एक लॉट, ठीक है। और फिर बाय कर लिया 3873 पे। मैं इसको एक बार दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। तो अभी इसमें जो है लाइव ये चल रहा है और ये अभी अगर कुछ देर में और छोड़ता तो अभी मुझे 800 रुपये और 800 रुपये मीन्स 3000 का प्रॉफिट होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट में वो कभी नहीं कि प्राइस का वो कि हमको इतना प्रॉफिट लेना ही तो लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी कहीं से भी टर्न कर सकता है। सो हम लोग थोड़ा कॉशियस हो गए, ट्रेडिंग हमको करना चाहिए बस प्रॉफिट निकल जाए थोड़ा सा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा निकल जाए तो हम लोग एग्जिट हो सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। वही अगर बने रहेंगे या फिर कुछ तो कहीं से भी मार्केट टर्न होके हमको लॉस भी करवा सकती है, इसीलिए ज़्यादा रिस्क लेके क्या करेंगे फालतू का। अभी देखिए ये जो हमारा टर्मिनल है इसमें 3866 पे क्रूड चल रहा है, An order has been updated to 1. Shares of symbol C R U D E O I L 1 8 F E B F U T. देखिए मैं जो यूज करता हूँ ये ट्रेडर है, अल्फा ट्रेडर इसका नाम है और ये कंपनी जो है साउथ एशियन स्टॉक्स की है, SAS ऑनलाइन, और इनका जो ब्रोकरेज रेट है वो 9 रुपये है बाई का और सेल का, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही कम है, जितने सारे जो ब्रोकर हैं उनमें सबसे इनका कम आता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कंपैरिजन करके भी दिखा सकता हूँ, वो एक और मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें जीरोधा का और इसका और जितने सारे हैं टर्मिनल जो कि लोअर ब्रोकेज जो कि
लोअर ब्रोकरेज वैसा बोलते कि हमारा है हमारा है, तो वैसा मैं कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। अभी देखिए मैंने जो है M2M मार्केट टू मार्केट जो है रियलाइज जो प्रॉफिट हुआ था वो मुझे 2200 का हुआ था, जिसमें से इनका जो जो भी है कट के 2122 रुपये, मीन्स इसमें से कितना हुआ 88 रुपये कटे हैं और 88 रुपये कुछ पैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने अपना ऑर्डर बुक भी आपको दिखा दिया था। यहाँ पे देखिए जो मैंने सेल किया था 3895 पे और 3873 पे बाय किया फिर दोबारा से, और अभी जो है ये 3864 पे भी आ गया है। ये देखिए मीन्स 73 से कितना हुआ 9 रुपये और इस 9 पॉइंट और नीचे आ गया ये। और यहाँ पे देखिए जो चल रहा है एवरेज बाय और सेलर का, ये देखिए 3934 और 2171 172 172 जो भी है। तो यहाँ पे इसने सेल का दिया था तो मैं तो एंट्री कर नहीं पाया, फिर बाद में मैंने एंट्री की यहाँ से 3895 पे, कहाँ यहाँ पे था कहीं पे, ये रहा यहाँ 3895 पे, यहाँ पे मेरा SL जो था स्टॉप लॉस था 3920 पे जो कि मैंने रखा था। तो क्या हुआ, एक बार जाके फिर जो दूसरा कैंडल बना इसका, तो इसने जो हायर जाके ये मैं यहाँ पे हाई दिखाया था 3911 पे गया, तो मैंने क्या किया कि मेरा जो स्टॉप लॉस था 3920 पे था, तो मैं वहाँ से एग्जिट नहीं हुआ। क्यों होऊंगा फालतू का, मुझे 1500 रुपये का उस टाइम लॉस हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी जो है एक मैंने यहाँ पे ये वाला जो एक MACD का जो क्रॉसओवर है उसको देखा यहाँ पे कि ये इसके पास ही में है और बायर सेलर का जो एवरेज है वो सेलिंग जो है आ रही है धीरे धीरे करके वैसा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 3895 के आसपास, ये देखिए यहाँ पे 3894 95 है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं इसको मैं छोड़ूंगा, लॉन्ग करके छोड़ूंगा इसको, तो मैंने शॉर्ट करके छोड़ दिया और SL 3920 था। और जैसे जैसे नीचे गिरने लगा तो फिर मेरा जो क्या था मेरा जो SL था मैंने उसको ट्रेल करते गया। फिर आप देख ही रहे यहाँ पे जो भी था मेरा आज का मार्केट टू मार्केट 2200 रुपये था, ये एक लॉट में मैंने किया था और मैंने कवर ऑर्डर लगाई थी। सब कुछ देखना ज़रूरी होता है, वॉल्यूम देखना ज़रूरी होता है और MACD का क्रॉसओवर है वो भी कुछ मायने रखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ऊपर की तरफ ये जो पॉइंट है 200% रिट्रेसमेंट, अगर यहाँ से देखा जाए तो 0% रिट्रेसमेंट था इसका 3913, ठीक है 3913 था इसका, अगर पीछे वाली कैंडल्स की बात करें तो एक जो अपर में लेवल आई थी ठीक है 3 बजे करीब में यहाँ पे 3913 हाई था इसका, तो वहाँ से अगर रिट्रेस करके ये चला है तो वैसे 23 फिर 38 5 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी जो 200% रिट्रेसमेंट किया है इसने और उसके नीचे कैंडल है और उसके ऊपर एक पहला रेजिस्टेंस 200% पे 3869 पे और अभी जो प्राइस चल रहा है 3867 पे है, और नीचे अगर रिट्रेस करके जाता है तो ये जो इसका जो फिर नीचे की तरफ जो सेल का टारगेट होगा 3855 पे भी हो सकता है, और ये जो हमारा जो ये है AFL है ये दे रहा है हमको टारगेट 3836 पे, तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी जो है मार्केट टर्न हो सकता है, तो वही हमको एक जो है कि क्या बोलते हैं उसको कैच करना होता है कि हम कहाँ से कैच कर सकते हैं। कल इसने दिया था एक बाई कॉल दी थी 3763 के आसपास, ये था आपका 14 को 9 बजे था, ये देखिए 9 बजे जैसे ही इसने कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक कॉल लगा हुआ था, सॉरी एंट्री पॉइंट था 3763 पे, तो इसको यहाँ से इसने ब्रेक किया और बड़ा सा एक कैंडल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके इसने जो है एग्जिट, पहले तो ब्लू का एक शाइन यहाँ पे बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से जो एक तरह से एग्जिट भी हो सकते थे यहाँ पे, तो और नीचे भी जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये जो एक वॉल्यूम बेस्ड FL है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही वॉल्यूम जैसे बाइंग में रहेगी तो ये जो ग्रीन वाला आपको लाइन दिख रहा है वो जो है आपको ऊपर ही रहेगा, फिर उसी तरह से अगर सेल में रहेंगे तो ये नीचे वाली जो एक लाइन है
सकते हो, यहाँ से सेल में रहेगी। लेकिन फिर ये अब फिर हमको एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कैसे करना है, तो वो ये हमको ये बताता है ऊपर वाला जो AFL है वो, और इसमें जितने सारे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है यहाँ पे, सब लास्ट जो ट्रेड क्वान्टिटी है बाइंग सेलिंग की यहाँ पे जो भी है दिखता रहता है हमको। अगर देखा जाए अगर मेरा व्यू क्या रहेगा क्रूड ऑयल पे, तो अभी जो है सेल क्वांटिटी चल रही है 3906 पे, और बाई जो है कम हो रही है और सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो वैसे तो देखा जाए तो ट्रेंड जो है निगेटिव है, ठीक है, लेकिन 15 मिनट में देख लेते हैं क्या है। ये नीचे की तरफ है और सेलिंग ही रहेगी वैसे, क्योंकि ना इधर से सपोर्ट मिल रहा है हमको, ना बाइंग से ना कुछ से, खाली सेलिंग से। देखिए यहाँ पे कितना सारा जो है ओनली सेलिंग हो रही है, तो अभी तो मार्केट सेल में ही रहेगा। पता नहीं कुछ भी हो सकता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जितने सारे टेक्निकल्स हैं हम वो देख के चले, फिर जो फंडामेंटल्स वगैरह हो गई जैसे बायर सेलर कितने इसमें हैं, कितनी जो है इसमें बाइंग हो रही है सेलिंग हो रही है, तो एक ये भी एक जो है की हो सकता है। अभी देखिए 66 पे था, अभी 63 पे आ गया, तो ये देखिए एवरेज जो है दोनों का जैसे 1000 का है डिफरेंस दोनों में, 1000 से ज़्यादा है, 1600 का है करीब में। और नीचे जो है कल लास्ट में बंद हुआ था ये एक 3848, तो पहला जो है एक ये भी एक लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये एक मैं ब्रोकरेज कितना है इसका कैलकुलेशन और ये क्या बोलते हैं कंपैरिजन करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि आपको अगर कितना कितना पॉइंट अगर प्रॉफिट होता है तो आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें जो है SAS ऑनलाइन वालों का ये बेनिफिट है कि जैसे आप जितना प्रॉफिट करते हो तो आपको तुरंत ही उसी टाइम आपके अकाउंट में जो भी है माइनस करके उनका जो ब्रोकरेज है वो आपको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैसा है इनका सिस्टम, तो बहुत ही अच्छा है, बेटर है, बेटर ऑप्शन है ये, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वंस अगेन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।